नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और आज हम इकट्ठा हुए हैं जीएसटी में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, और वो है सर्कुलर नंबर 48 जो कि 14 जून 2018 को डिपार्टमेंट ने इशू किया। इसमें तीन बातों के बारे में उन्होंने जिक्र किया। हालांकि दोस्तों, मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में इन सर्कुलर्स के बारे में आपको बताता आ रहा हूँ। सर्कुलर्स डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग है, लेकिन इन सर्कुलर्स की लीगल सेंटिटी इन द कोर्ट ऑफ लॉ क्या होगी, ये हमें इन टाइम्स टू कम ही पता लगेगा। लेकिन फिर भी हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि इस समय डिपार्टमेंट की वेरियस इश्यूज को लेकर क्या अपनी ओपिनियन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। पहला सवाल उन्होंने कन्फ्लिक्टिंग इशू को क्लैरिफाई किया है, उसके लिए उठाया। हम जानते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें उस पर्टिकुलर सप्लाई की नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी है, जिससे कि हम टैक्स डिटरमाइन करते हैं कि अगर वो इंटरेस्टेड सप्लाई है तो हम IGST चार्ज करेंगे, अगर इंटरेस्टेड सप्लाई है तो हम C+S चार्ज करेंगे। यहाँ पर भी एक ऐसे ही सवाल SEZ से रिलेटेड सेक्शन 12 और सेक्शन 7 में आया। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी ये कहता है कि अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सप्लाई देनी है तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं सिचुएटेड होगी जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब हो गया कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही स्टेट में है, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई। लेकिन स्पेसिफिकली सेक्शन 7 में जब हम बात करते हैं, हम IGST एक्ट की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 7(5) क्लॉज बी ये कहता है कि अगर आपने किसी भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई SEZ को दी है तो उस केस में वो सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि दो कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं। अगर मान लीजिए एक होटल ने सप्लाई दी है SEZ को फॉर अकोमोडेशन सर्विसेज, तो सेक्शन 12(3)(c) के हिसाब से तो वो इंटर स्टेट सप्लाई हुई, क्योंकि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं सिचुएटेड है जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। लेकिन सेक्शन 7(5)(b) के हिसाब से वो सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है। तो डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे से इस बात को क्लैरिफाई किया और उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू का रूल भी हमें बताया, स्पेसिफिक ओवर जनरल। उन्होंने कहा कि अगर कोई जनरल प्रोविजन है किसी पर्टिकुलर इशू के बारे में और उसी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक प्रोविजन भी है दोस्तों, तो स्पेसिफिक शैल प्रिवेल ओवर जनरल। इसका मतलब ये हो गया कि SEZ को कोई भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगी तो उसे हम इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे, ना कि इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो ये तो पहला इशू क्लैरिफाई किया। दूसरा इशू क्लैरिफाई उन्होंने अगेन SEZ के बारे में ही बात की है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेम करते हुए थोड़ी सी मुझे लगता है कि चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पाई जिस हिसाब से डिपार्टमेंट चाह रहा था। क्वेश्चन ये फ्रेम किया कि क्या SEZ की सारी प्रोक्योरमेंट्स की सप्लाई पर हम उसे जीरो रेटेड बेनिफिट दे सकते हैं। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जीरो रेटेड बेनिफिट रेसिपियंट को कैसे मिलता है, ये तो सप्लायर को मिलता है। सप्लायर को जीरो रेटेड बेनिफिट मिलता है दो तरीके से भी, या तो उसका अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है रिफंड हो जाएगा, या फिर जो पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स वो करेगा वो रिफंड हो जाएगा। रेसिपिएंट जो कि SEZ है उसको जीरो रेटेड सप्लाई का क्या बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम्ड है, लेकिन जब इसका जवाब बनाया गया दोस्तों तो उसमें सप्लायर वर्ड लास्ट में यूज किया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए अब यहाँ पर दो सेक्शंस, एक सेक्शन और एक रूल का रेफरेंस है। सेक्शन 16 जो कि IGST एक्ट का है, जहाँ पर हम जीरो रेटेड डेफिसिट की बात करते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई मींस एनी सप्लाई टू SEZ डेवलपर और यूनिट, तो वहां पर जीरो रेटेड हो गया। और फिर उसके बाद सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में कहता है कि अगर जीरो रेटेड सप्लाई में अगर SEZ यूनिट और डेवलपर को सप्लाई हो रही है तो उसका रिफंड अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का सप्लायर को मिल सकता है। अब उन्होंने कहा कि क्या सारी सप्लाईज जो SEZ को होती हैं वो जीरो रेटेड हो सकती हैं, तो उन्होंने दो बातें कही कि भी देखिए सेक्शन 16 में तो ये बात है कि जीरो रेटेड तब होगी जब आप SEZ को सप्लाई कर रहे हैं, दूसरा इसका रिफंड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, वो रूल 89 में लिखा और वहां पर ये कंडीशन लिखी है कि SEZ ने वो गुड्स एडमिट किए हों फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस और सर्विसेज भी रिसीव की हों फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस, और दूसरी कंडीशन डिपार्टमेंट ये इम्पोज करता है कि SEZ के ऑथराइज्ड ऑपरेशंस में तो ये गुड्स और सर्विसेज होने चाहिए, साथ ही साथ जो वहां का स्पेसिफाइड ऑफिसर है उस SEZ का जोन का, उसके द्वारा इंडोर्समेंट भी होनी चाहिए। तो नटशेल में अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज
स्पेसिफाइड ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए SEZ ने प्रोक्योर की हैं और स्पेसिफाइड ऑफिसर ने जोन के उसको ऑथराइज किया है, तो उस सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज को जीरो रेटेड सप्लाई माना जा सकता है और उसका बेनिफिट, रिफंड का बेनिफिट सप्लायर को मिल सकता है। तो ये दूसरा इशू क्लैरिफाई हुआ। तीसरा इशू जो है दोस्तों वो अगेन रिफंड से ही है। सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 में एक रिफंड का प्रोविजन है और वो कहता है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आपको हम रिफंड देंगे। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड देंगे, लेकिन एक नोटिफिकेशन निकाली, नोटिफिकेशन 5/17, जिसमें उन्होंने, डिपार्टमेंट ने ये क्लैरिफाई किया हमें कि हम 15 आइटमें हैं इनका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से रिफंड नहीं देंगे। मैं आपके लिए दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तब सामने आता है जब मेरे इनपुट्स जो हैं उनका रेट ज़्यादा होता है, उनका रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा होता है, और मेरी जो आउटपुट सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है, उस पर रेट ऑफ टैक्स कम होता है, जिसकी वजह से मेरे पास एक्सेसिव इनपुट टैक्स क्रेडिट बचता है और मेरे पास इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट आ जाता है। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर 15 आइटमें आप में, उन आइटमों में हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सेक्शन 54 सब ब्रैकेट 3 में रिफंड नहीं देंगे। उन 15 आइटमों में 7 आइटमें जो है वो फैब्रिक से रिलेटेड है और 8 आइटमें रेलवे से और उनके पार्ट्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर उन्होंने क्लैरिफाई किया। अब सवाल ये आया कि भाई क्या जॉब वर्कर जो कि प्रोसेसिंग करता है फैब्रिक की, क्या उसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि भी देखिए ऐसा है, शेड्यूल 2 में स्पेसिफिकली, हालांकि उन्होंने शेड्यूल 2 का जिक्र नहीं किया, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको बता रहा हूँ, शेड्यूल 2 में स्पेसिफिकली ये लिखा है जहां पर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी सप्लाईज गुड्स हैं और कौन सी सप्लाईज सर्विसेज हैं, वहां पर स्पेसिफिकली ये लिखा है कि प्रोसेसिंग ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अदर्स शेल बी कॉल्ड एज सर्विसेज, मतलब जॉब वर्क शेल बी कंसिडर्ड एज सर्विसेज। तो डिपार्टमेंट ने भी ये क्लैरिफाई किया कि भाई ये जो प्रोसेसिंग है ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अदर्स, इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, और वहां पर जो 5/2017 में जो रिस्ट्रिक्शन है वो गुड्स के ऊपर है, लेकिन ये जो जॉब वर्क की सप्लाई तो सर्विसेज है, इसलिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में इसके ऊपर भी रिफंड अवेलेबल होगा रूल 89 में। ये तीन बातें डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई की दोस्तों सर्कुलर नंबर 48 जो 14 जून को इशू हुआ। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज कीजिए, आपको फ्रेश वीडियोज अपने आप पता लगेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।